तहसील हजीरा केनवाई इलाके डूंगा तेतरी नोट के रिहायशी राजा मोहम्मद जमील तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम राजा मोहम्मद जमील माजूरी के बावजूद फोन कार्ड फरोख्त करके गुजर बसर करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वो मकम्मल माजूर हो गए और बिस्तरे मर्ग पर पड़ गए, चलना फिरना महाल हो गया। तो जम्मू कश्मीर टीवी पर इनका इंटरव्यू नशर किया गया, जिसको देखकर इंतजामिया हजीरा बिलखसूस तहसीलदार हजीरा मोहतरम राजा अयाज अहमद नसार ने नोटिस लिया और मौके पर हमरा उस वक्त के असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा मोहतरम वलीद अनवर वलीद इनके घर पहुंचे। बाद अजाम हजीरा हॉस्पिटल के एमएस मोहतरम डॉक्टर लियाकत की निगरानी में इलाज करवाया और हजीरा के मारूफ सोशलिस्ट एक्टिविस्ट मोहतरम प्रोफेसर जैद हनीफ और साथियों की तवज्जो मबजूल करवाई गई, जिनकी शबरोज काविशों से इनके सांस बहाली के लिए खतीर रकम से एक मसनू ऑक्सीजन मुहैया करने वाली कीमती मशीन अद्वियात और इनके घर के लिए अशिया खुर्दनोश मुहैया की जाती रहीं, बल्कि यह सिलसिला अब भी जारी है। इसके कुछ मखयर हजरात ने भी राजा जमील की माली मामनत की, खुसूसन चवनाड वेलफेयर ट्रस्ट के हजरात ने इस कार खैर में अपना हिस्सा डाला। बिलाखिर राजा जमील अहमद बीमारी से लड़ते लड़ते आज दुनिया फानी से पर्दा फरमा गए। इनकी नमाज जनाजा में हर मकतवा फिक्र से तलक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी से कबल प्रोफेसर जैद हनीफ ने शुरुआत जनाजा से खिताब करते हुए कहा, उनके साथ उनके घर में हमारा आना जाना भी था और माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो मेरे दोस्त हैं, जो आप यहाँ बा मौजूद हैं, हमने अतुल इम्कान कोशिश की कि उनकी बीमारी के दौरान हम उनकी सपोर्ट कर सकें, क्योंकि उनके घर के हालात मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं। तो मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि इंतहाई दुख हुआ, बहुत खुददार आदमी थे, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं हरगिज़ यह नहीं कहूँगा कि हम उनकी मदद करें, बल्कि ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए इम्तिहान बनाया है, इस पूरे मोहल्ले के लिए इम्तिहान बनाया है कि हम लोग अब इनके बाद, वैसे तो ये अब बेरोज़गार थे, ये मतलब बेड पे थे, वो राह देखते थे। यकीन करें मैं बात नहीं कर सकता, मैं सोचता हूँ कि उनकी बेटी और मेरी बेटी में कोई फ़र्क नहीं था। ये गवाह है अर्शद साहब, मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं देख के हैरान था कि हम जैसे लोग हम मर क्यों नहीं जाते। इतने मतलब बड़ा मोहल्ला है और एक बंदा जो है वो चारपाई पे सिसक रहा है, उसको एक 1.5 लाख की मशीन कोई ला के नहीं दे सकता। मैं नहीं कहता कि मैंने बड़ा काम किया, ये मेरे दोस्त खड़े हैं, हमने लोगों के आगे हाथ फैला के उस बंदे को वो मशीन ला के दी और उसकी वो आहें वो सिसकियाँ वो मुझे याद है। तो हम मर के क्या जवाब देंगे, क्या हम इतने लूढ़े लंगड़े हैं मर गए कि इस एक शख्स को यहाँ बेड से उठा के इसका इलाज नहीं करवा सकते। और इस तरह से कितने और जमील हैं, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप हर गली मोहल्ले में इस तरह के लोगों की खिदमत करें, उनके घर उनको उनको खाना दें, उनको दवाई दें। यह सोसाइटी हमारी किधर, हमारी वो सारी चीज़ें गई, हम तो मर चुके हैं भाई। जमील तो आज मरा है, मैं और आप कब से मरे हुए हैं। तो आज मेरा ऐलान है कि जहाँ जहाँ पे आप हैं अपने मोहल्ले को देखें, अपने घरों को देखें। एक आखिरी बात करता हूँ, इस बच्ची जो इनकी बच्ची है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, आगे देख लें। जब मैंने इनके घर दोस्तों के तावन से, मेरा कोई तावन नहीं था, मैंने सबसे मांगा मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो मैंने उसको केला दिया, वो केले का छिलका भी खा रही थी, वो केले का छिलका भी खा रही थी, उसने कभी केला खाया नहीं था। तो फिर क्या हुआ, आप और मैं किस 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 ये पैदा हो गए। तो इस घर का ख्याल रखना है आपने, इस घर का ख्याल आपने रखना है, मैंने रखना है। मैं पहले से अपने दोस्तों के साथ मिल के कर रहा हूँ, लेकिन जमील का घर भी आप बनाएं, कोई बंदा यहाँ पे आके ऐलान करे, इसका घर भी, इसका ख्वाब था, मैं कसम खा के कहता हूँ उसका ख्वाब था, वो कहता था जायद साहब मुझे घर बना के दे दो, मेरा घर नहीं है। तो बना उसका घर, आज यहाँ पे खड़े हो गए वादा करके जाओ, ठीक है कि जमील का घर बनना चाहिए, जमील के बच्चों की आपने कफालत करनी है, मैंने करनी है, अल्लाह हाफिज़। इस मौके पर प्रोफेसर जैद हनीफ अपने आप पर काबू ना पा सके और इमोशनल हो गए।
अल्लाह पाक ज़ैद हनीफ और इनके जितने साथी हैं और साथ इंतज़ामिया हजीरा और दिगर महियर हजरात ने राजा जमील की जो मदद की है, अल्लाह पाक इनको अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि मरहूम की कामल बख्शिश फरमाए और इनके अहले खाना के लिए बेहतर असबाब ज़िंदगी अता फरमाए। मलजफ़कार JK TV, डूंगा तेतनोट, तहसील हजीरा, जम्मू कश्मीर।